हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका गुप्ता फ्रॉम द इंग्लिश एकेडमी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द पास्ट टेंस ऑफ बाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बाइट। बाइट यानी के काटना। बाइट वर्ब के क्या क्या फॉर्म्स हैं इंग्लिश में, यही चीज हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फॉर्म है रूट फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी कहते हैं, बी आई टी ई, बाइट यानी कि काटना। थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर एस फॉर्म। इंग्लिश में जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब यूज करते हैं तो हम उसका एस फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि उसके एंड पर हम एस एड कर देते हैं एंड द वर्ब बिकम्स बाइट्स। नेक्स्ट फॉर्म है पास्ट टेंस फॉर्म। जब हम भूतकाल में सेंटेंस बनाएंगे, जब हम कहेंगे काटा था, इंग्लिश में हम कहेंगे बिट, बी आई टी, बिट। नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर आईएनजी फॉर्म। जब भी हम कोई कॉन्टिन्यूटी का सेंटेंस बनाएंगे जिसमें एक्शन चल रहा है, जैसे कि हम कहते हैं काट रहा है, तब हम कहेंगे बाइटिंग। हम बाइट के ई को हटाकर आईएनजी एड कर देंगे। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जब हम कहेंगे कि उसने पहले ऐसे काटा है तो हम इंग्लिश में बिटन यूज करेंगे, बाइट का बन जाएगा बिटन। सो द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बाइट इज बिटन। लेट अस सम इट अप वंस अगेन। रूट या फिर प्रेजेंट टेंस फॉर्म है बाइट, थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर एस फॉर्म है बाइट्स, in the past tense form it becomes bit, present participle or ing form is biting and past participle form is bitten. Now let us use these words in sentences so that you can understand how to use them. First is bite. Jab hum present tense mein sentence banayenge, my dogs bite strangers, mere kutte ajnabiyon ko kaatte hain, tab hum रूट फॉर्म यूज करेंगे बाइट। नेक्स्ट सेंटेंस जहां पर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का सेंटेंस बना रहे हैं, द बॉय बाइट्स हिज सिस्टर व्हेन ही इज एंग्री। जब भी लड़का गुस्से में होता है वो अपनी बहन को काटता है। यहां पर हमने एस फॉर्म यूज किया है बाइट्स। अनदर सेंटेंस इज अ स्ट्रे डॉग बिट हिम यस्टरडे, दिस इज ऑफ द पास्ट टेंस। जब भी हम भूतकाल का वाक्य बनाएंगे हम कहेंगे बिट, B-I-T, bit, काटा था, एक स्ट्रे डॉग ने उसे कल काटा था, तब हम यूज करेंगे bit। नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टॉप बाइटिंग द इरेजर, इरेजर को काटना बंद करो। यहां पर सेंटेंस में एक्शन की कॉन्टिन्यूटी देखने को मिल रही है, बाइटिंग यानी कि एक्शन अभी चल रहा है एंड सो हमने आईएनजी या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया है बाइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैड डॉग हैज बिटन 10 पीपल, इस पागल कुत्ते ने पहले भी 10 लोगों को काटा है। यहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे बिटन। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू कि कब आपने बाइट के किस फॉर्म को यूज करना है और बाइट के क्या क्या वर्ब फॉर्म्स हैं। With this, we come to an end of this video. Thank you for watching this and for more videos, please subscribe to our channel, English Academy.